गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अजय केडिया फ्रॉम केडिया एडवाइजरी। टुडे इज 25th of May। तो बुधवार के दिन हमने ऑलरेडी देखा सोमवार मंगलवार काफी इवेंटफुल रहा है, डिस्पाइट कोई मेजर डेटा पॉइंट नहीं था, क्योंकि फेड की मिनट से पहले मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी जैसा माहौल बना हुआ है। डिस्पाइट डेट कल हमने देखा, जैसे उम्मीद थी कि $1,850 के नीचे अगर गोल्ड निकलता है तो मे बी एक करेक्टिव ड्रॉप टूवर्ड्स लेट से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1838 तक का लेवल हम देख पाएंगे, बट वैसा हुआ नहीं। मार्केट एग्जैक्टली 1850 का लेवल छूने के बाद मार्केट में एक शानदार रिकवरी बनते हुए दिखाई दी और प्राइजेस के अंदर एक अच्छे खासे गेंस के साथ दिखाई दिया कमोडिटी का। वही अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो कंटिन्यू डॉलर इंडेक्स में गिरावट है। इनफैक्ट कल के सेशन में हमने 102 के नीचे प्राइजेस को जाते हुए देखा, जो उम्मीद कम थी, लेकिन जिस तरह से यूएस से डेटा पॉइंट आ रहे हैं कहीं ना कहीं कंसर्निंग अभी भी बनी हुई इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, जिसके तहत हमने कल सोने चांदी में जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी है। इंपॉर्टेंट रहेगा डेटा पॉइंट अगले कुछ दिनों के लिए। बेस मेटल के अंदर भी हमने देखा कि प्राइजेस में वॉलिटिटी कंटिन्यू मेंटेन रही, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाइंग इनिशिएट होते हुए दिखाई दी। हमने देखा संगाई और एलएमई पे, दोनों जगह पे हमने मोस्टली प्राइजेस को फ्लैट टू नेगेटिव होते हुए देखा। जिस ढंग से यूएस के न्यू होम सेल्स का डेटा 2 साल के लो पे पहुंच चुका है, जो बताता है कि हाउसिंग मार्केट की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कंसर्निंग है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक मोमेंटम है वो थोड़ा थोड़ा लैग होता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम्स में धीरे धीरे पिकअप होना चालू है, जिस ढंग से चाइना मार्केट ओपन अप हो रहा है। संगाई में भी हमने देखा कि प्राइजेस 71,000 युआन के ऊपर अच्छे से होल्ड जरूर कर रहा है। बट मैक्रो फ्रंट साइड अगर हम देखें तो ईसीबी प्रेसिडेंट लगार की जो स्पीच थी, यहाँ पे हमने कुछ सरप्राइजेस आते हुए देखा, जहाँ पे यूरो जोन के इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव में आने की उन्होंने बातें की, जिसके चलते यूरो में तो हमने थोड़ा बहुत बाउंस देखा, बट डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट देखी ये मुख्य कारण बना। जैसे कि हम जानते हैं कि यूरो और गोल्ड पॉजिटिवली कोरिलेट करता है, जिसके चलते डॉलर में एक महीने के लो पे 101.64 के करीब हमने प्राइजेस को जाते हुए देखा। इसका पूरा श्रेय यूएस के न्यू होम सेल डेटा को जाता है, जहां पे हमने 2 साल के लो पे मार्केट को जाते हुए देखा। वहीं हाजिर मार्केट के मतलब फिजिकल मार्केट की भी अगर बात करें तो यहां पे भी हमने देखा चाइना मार्केट जैसे जैसे ओपन अप हो रहा है, स्लोली एंड स्टेडिली डिमांड इंप्रूव हो रही, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं डिमांड को रीइंस्टेट की जाए। एल्यूमिनियम में भी हमने देखा कि डी स्टॉकिंग की वजह से प्राइजेस के अंदर काफी अच्छा करेक्शन आया, लेकिन फंडामेंटल मीडियम टर्म के लिए अभी भी अच्छे बताए जाते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो पैसिमिज्म बना हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को लेकर, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दबाव इसलिए भी बना क्योंकि एल्यूमिनियम की सप्लाई इंप्रूव हो रही थी जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट डिमांड जैसे से ओपन अप हो रही है और डिले जो शिपमेंट में हो रहा है ये प्राइजेस को आगे जाके अपलिफ्ट करता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम गोल्ड की भी बात करें तो पहला चीज जो ध्यान रखना है वो ईसीबी पे ध्यान रखना है, क्योंकि ईसीबी ने क्लियर कट संकेत दे दिए हैं इंटरेस्ट रेट हाइक के लिए, जिसकी वजह से डॉलर में दबाव है। डेटा पॉइंट हमने ऑलरेडी देखा है, ऐसा ही कुछ हाल क्रूड का रहा है, क्योंकि अब बीजिंग ने स्टेप अप किया है क्वारंटाइन एफर्ट्स को कर्व करने के लिए, और कोरोना का जो आउटब्रेक है वो कहीं ना कहीं फ्रेश थोड़ा बहुत हमने वापस कंसर्न देखा था, जिसकी वजह से क्रूड में दबाव जरूर था, बट अब 1 तारीख से अगर मार्केट ओपन अप होता है तो क्रूड को और पूरे बेस मेटल को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ में हमने देखा कि एपीआई और ईआईई की इन्वेंट्री डेटा भी कहीं ना कहीं ड्यू है, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर आज इंपैक्ट पड़ेगा। आज मॉर्निंग सेशन में हम देख रहे हैं कि क्रूड में एक अच्छा खासा जंप देखने मिल रहा है, टाइट ग्लोबल सप्लाई को देखते हुए क्रूड में जंप दिखा है। वहीं यूएस फ्यूचर्स में भी हमने देखा था जो कल का सेल ऑफ था उसके बाद मार्केट रिकवर कर रहा है, जिस ढंग से सोशल मीडिया के जाइंट्स इनका जो रिजल्ट्स थे या पूरा सेल ऑफ था, इसकी वजह से हमने मार्केट्स में एक अच्छा खासा फॉल्स आते हुए देखा था। बट आज मॉर्निंग से ही हम जो डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं, जैसे पावेल की स्पीच रहेगी उसका असर मार्केट पे आता हुआ दिखेगा। यूएस ट्रेजरी टू अलाउड लाइसेंस अलाउिंग रशिया टू पे यूएस बॉन्ड होल्डर टू एक्सपायर, मतलब यहाँ पे हमने देखा कुछ जो रशिया और यूएस के बीच में जो तनाव था वो थोड़ा सा इज आउट होते हुए दिख रहा है। नेटो एप्लीकेशन बाय स्वीडन एंड फिनलैंड फेस टर्की सपोजिशन, ये ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम देखा था कि तुर्की
कहीं ना कहीं अपोज कर रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो नेटो वाला सिनेरियो है वो कंसर्न है। जापान के 10 ईयर्स के बॉन्ड यील्ड 7 वीक के लो पे पहुंच चुका है, ये भी करेंसी मार्केट को इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। रशिया का भी 10 ईयर्स के बॉन्ड यील्ड है वो 3 हफ्तों भी है के लो पे पहुंच चुका है। वहीं मक्के की बात करें तो कौन कॉर्न कौन में सा भी नया हमने 6 महीने सिनेरियो। के लो पे कॉर्न के प्राइजेस को जाते हुए देखा है। वीट में भी कुछ गिरावट आते हुए दिखाई दी। कहने का मतलब है एग्री पूरे ओके एग्री कमोडिटी की बात करें तो यहाँ पे हम धीरे धीरे ड्रॉप बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हो रहा है ओवरऑल ना अपना उधर प्रेशर नया वाला गवर्नमेंट्स हो का रहा है बनना चालू हो चुका है। समय से आज के मार्केट अगर में डेटा जाओ, पॉइंट की अगर हम बात चलना करें पड़ा ना तो आज बुधवार समय से है, तो कह रहे मॉर्निंग हैं। में यूरो जोन से अगर हम देखें तो फाइनल जीडीपी के आंकड़े स्टेबल आते हुए दिख रहे हैं। कंज्यूमर क्लाइमेट थोड़ा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच रहेगी और साथ में ईसीबी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रिव्यू रहेगी, जो कहीं ना कहीं यूरो जोन को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। जापान से ऑलरेडी हमने देखा क्वाड समिट चल रहा है, वहां से भी कुछ पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिखाई देगी। जबकि आज आपको जो ध्यान देना है यूएस का डेटा पॉइंट ध्यान देना। कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री में -2.2 मिलियन बैरल है, जो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा बढ़ के आ रहा है, जिसकी वजह से क्रूड में हो सकता है 8 बजे के करीब थोड़ा ड्रॉप मिले, बट आज ओपनिंग स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही। बट आपको पूरा जो ध्यान लगाना है आपका आज वो 9:45 और 11:30 की FOMC मेंबर की स्पीच और FOMC मीटिंग के मिनट्स के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का हॉकी स्टोन है या डॉविश स्टोन है ये पता चलेगा। और कल यूरो जोन में छुट्टी रहेगी, जिसके चलते आज यूरो जोन थोड़ा मोमेंटम क्रिएट किया, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ऑफ एशियंस डे के चलते हम यूरोप में काफी फ्रांस जर्मनी में हॉलीडे देखेंगे, और कल चाइना से लीडिंग इंडेक्स के डेटा भी आने हैं, साथ में यूएस से पेंडिंग होम सेल डेटा जो और ज्यादा खराब आ रहा है। तो डॉलर के लिए जैसे हमने सोमवार को बताया भी था कि कोई भी चीज अच्छी नहीं हो रही है, और उसी का नतीजन है कि बुधवार तक हम देख रहे हैं कि डॉलर कंटिन्यू गिरावट दिखा रहा है। बट ध्यान रखिए फेड की मिनट्स के बाद हो सकता है डॉलर को थोड़ा स्ट्रेंथ मिले, क्योंकि 3 दिन की गिरावट वैसे भी हो चुकी है, उस पर आपको ध्यान देना। क्विकली स्टार्टिंग विद दी हीट मैप, इक्विटी मार्केट में आज थोड़ा बहुत बाउंस दिखा रहा है मार्केट। डाउ जोन है 31,960 के करीब है, कल की तेजी के बाद मार्केट रिकवरी मोड पे है, विक्स 29 के करीब है। क्रूड ऑयल $115 के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहा है, जो सप्लाई कंसर्न्स दिखा रहा है कि वर्स्ट होते जा रहा है, जिसके चलते क्रूड में तेजी है। तो आज क्रूड में बाय करके काम कीजिए। नेचुरल गैस में कल हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा है, आज $9 के करीब जाने की तैयारी में है, तो नेचुरल गैस में भी आप तेजी करके ही काम कीजिए। कॉटन 140 के करीब ट्रेड कर रहा है, जिस ढंग से हमने टेक्सास के अंदर वेदर चेंजेस देखा है, तो आई थिंक 140 का लेवल ये ब्रीच करके 136 तक पहुंच सकता है, तो कॉटन में बिकवाली करके ट्रेड करना है। गोल्ड कहीं ना कहीं कल की रैली अच्छी मोमेंटम क्रिएट करता है, इनफैक्ट 1870 के करीब हमने कल छूते हुए देखा, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंट जो है वो 1870 का ही है। फेड मिनट से पहले मार्केट 1850 1870 के बीच में ही रहेगा, 1870 का लेवल ब्रीच करने पे 1890 तक का लेवल ओपन अप हो जाएगा, बट थोड़ा कॉशियस रहिए। चांदी में एक अच्छी चीज ये है कि 2-3 दिनों से हम $22 के ऊपर नहीं जा पा रहे थे, आज मॉर्निंग से ही हम देख रहे हैं कि 22 के ऊपर ही सस्टेन है, लेकिन देखना यह है कि क्लोजिंग 22 के ऊपर हमें मिलती है क्या, क्योंकि दिन के सेशन अर्ली आवर्स में 22-15 तक का लेवल हमने देखा है, बट आई थिंक कि फैट मिनट से पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग सोने चांदी में देखने मिल जाएगा। बट ड्यूरिंग द डे इसको रिव्यू करके काम कीजिए, बिकॉज आज फैट मिनट से पहले मे भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाए, तो लोअर लेवल्स की कुछ पोजिशन है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कॉपर के अंदर वैसे तो ट्रेंड पॉजिटिव है, कल हमने गिरावट जरूर देखी बट मार्केट में वापस रिकवरी होते हुए दिखाई लास्ट सेशंस में, जिसका मतलब यही है कि लोअर लेवल से बाइंग वापस कंटिन्यू रहते हुए दिखाई देगी। एग्री के अंदर भी कल लोअर लेवल से हमने सोयाबीन, सोया मील, सोया ऑयल इनमें तेजी देखी है। कॉर्न में हमने 2 दिन से गिरावट देख रहे हैं, वीट के अंदर भी गिरावट कंटिन्यू बनी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े कंसर्न है। चाइना की कनोला डिमांड बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जिसके चलते कनाडा पे जो बैन लगाया था वो उन्होंने रिवोक कर लिया, जिसके चलते आज कनोला में भी तेजी बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे अगर कंटिन्यू रहता है तो 101.40 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं यूरो में कल की तेजी के बाद थोड़ा पुलबैक जरूर दिखा रहा है, बट दैट डजंट मींस के मार्केट में वीकनेस रहेगी, तो यूरो JPY दोनों में ही बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। JPY इज कंटिन्यूसली होल्डिंग अबाउ 1.2525, अगर 1.26 जो हमने मई मंथ के स्टार्टिंग में लेवल देखा था इसके बियॉन्ड निकल जाता है तो देर इज अ रूम के 1.30 तक भी GBP जा सकता है। तो इन ऑल करेंसी मार्केट में आज फेड मिनट्स को आपको
वॉच करके ट्रेड करना है। सबसे पहले अगर हम एलएमई की बात करें तो करंटली कॉपर इज फ्लैट, जिंक इज अप बाय 0.44%, निकल फ्लैट है, एल्यूमिनियम अप है, लेड अप है। तो आज बेस मेटल में लोअर लेवल से वापस बाइंग लौटते हुए दिखाई देगी। कल शॉर्ट कवरिंग के चलते सोने ने 51,150 का लेवल रिगेन कर लिया है, बट इम्पॉर्टेंट है 51,200-220 के ऊपर की क्लोजिंग। तो आई थिंक मॉर्निंग में रुपी की वजह से थोड़ा बहुत हमें अपसाइड मिलता भी है, तो थोड़ा पोजीशन लाइट रखिए। इमीडिएट रेंज जो रहेगी वो 50,900 से लेके 51,250 के बीच में रहेगा। पोजीशन लाइट रखिए बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए, जैसे कल हमने देखा ड्रॉप दिया फिर रिकवर कर दिया। वहीं चांदी की अगर बात करें तो 62,200 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल क्लोज नहीं कर पा रही है। आज भी हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते, कल भी हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते 1% की तेजी जरूर देखी, बट ब्रॉडर रेंज जो रहेगा वो 61,500 से 62,400 के बीच का ही ट्रेड रहेगा। ध्यान रखिए 62,200 62,400 के ऊपर क्लोज लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ अदर व्यू, बिकॉज $22 के ऊपर होल्ड करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रूड में कल लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते 0.5% के करीब की गिरावट देखी, 8,500 के करीब प्राइजेस था। आज गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद है जो 8,750 तक का लेवल दिखा देगा, तो मॉर्निंग में ही क्रूड को लेके चलिए। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो 2% की तेजी के साथ 680 के ऊपर प्राइजेस क्लोज हुए। इंटरनेशनल में आज वापस 0.25% की तेजी है, $9 का लेवल दिखा रखा है। आई थिंक प्राइजेस जब तक 660 के ऊपर मेंटेन है 700 का लेवल आराम से दिखा सकती है, इसमें भी बाइंग करके चलिए। पूरे बेस मेटल में वॉलिटिटी थी हमने, जहाँ पे एल्यूमिनियम में हमने सबसे ज्यादा गिरावट आती हुई देखी, बट कहीं ना कहीं प्राइजेस में आज सपोर्ट मिलेगा। तो कॉपर जिंक एल्यूमिनियम लेड में आज पॉजिटिवली ट्रेड रहेगा। कॉपर में ध्यान रखिए कि 770 के स्टॉप लॉस से बाइंग इनिशिएट करके रखिए, जो 788 तक का लेवल दिखा सकता है जून वाइदा। वहीं जिंक की बात करें तो 320 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, जो 326 तक का लेवल दिखा सकता है। एल्यूमिनियम 240 के ऊपर 244 की रेंज में ही रहेगा, 244 का लेवल ब्रिज करने पे 248 तक का भी लेवल दिखा देगा। जबकि लेड हमने सिंस अक्टूबर देखा है कि 180 के नीचे सस्टेन नहीं करता है, तो 190 के ऊपर भी नहीं जाता है। तो प्राइजेस नियर टू 180 इट्स गुड टू बाय, बट लॉन्ग टर्म थोड़ा सा व्यू रहना चाहिए। कमिंग ऑन एग्री कमोडिटी, मेंथा में पिछले 2-3 सेशन में हमने जबरदस्त गिरावट आते हुए देखी है, कल भी 3% की गिरावट के साथ प्राइजेस 1080 का लेवल दिखाया। मई मंथ की एक्सपायरी नजदीक है, जिसके चलते ये प्रेशर भी बना है। फिजिकल मार्केट में भी हमने देखा ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं था, वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से यील्ड में फर्दर ड्रॉप है। तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर जून मंथ, आइदर टू बाय एट 1070 या 1090 के ऊपर निकलने पे हम बाइंग इनिशिएट करके चलेंगे। 2-3 महीने के व्यू के हिसाब से काफी अच्छा है बाइंग करने के लिए। कॉटन में गिरावट कंटिन्यू रहेगी, जो आज 47,000 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। रबर फ्लैट है बट आज पॉजिटिव रहेगा, जो 17,650 तक का लेवल दिखा देगा। गवार सीड, गवार गम और गवार डेक्स के अंदर कल हमने साइडवे ट्रेड देखा है। अच्छी चीज ये है कि 6,000 के ऊपर प्राइजेस कंटिन्यू मेंटेन है एज ऑफ नाउ। आज के लिए 6,000 पे लेके चलिए, 6,080 का इंपॉर्टेंट हर्डल है, ये तोड़ता है तो 150 तक का लेवल दिखा देगा, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। गवार गम भी 11,500-11,550 के ऊपर स्ट्रांग है, बट अपसाइड लिमिटेड रहेगा, जो 11,850 तक का लेवल दिखा देगा। गवारडेक्स यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी बन रही है, जो 7,800 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। मसालों के अंदर आपने पहले भी कहा था कि ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। जून वायदे की अगर बात करें तो धनिया के अंदर कल हमने 0.5% की गिरावट देखी है, अगला 2 सेशन हो सकता है प्राइजेस में एक सपोर्ट ढूंढता हुआ दिखाई दे। तो आज के लिए धनिया जीरा दोनों में पॉजिटिव मूव रह सकता है। 11,300 के करीब धनिया लीजिए 11,500 के टारगेट के लिए, जीरे में 21,700 तक लेके चलिए 21,950 के टारगेट के लिए, लेकिन लिमिटेड अपसाइड है, ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव आगे जाके बनेगा, बट लिमिटेड अपसाइड के लिए बाय कीजिए। हल्दी में 8,150 से 8,300 के बीच में ही मार्केट मूव रहेगा, वेट एंड वॉच कीजिए। वही कॉटन सीड ऑयल में कल की अच्छी तेजी के बाद मे बी पॉसिबल 2940-2950 का करीब मिलता है, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग वापस हिट कर सकती है, तो यहाँ पे आप संभल के ट्रेड कीजिए। कैस्टर के अंदर कल की गिरावट के बाद आज एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी 7580 के करीब, जो 7640 तक का लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल एग्री के अंदर मसाले में आज थोड़ा बाउंस है, कॉटन सीड ऑयल के में एक उछाल के बाद वापस दबाव बन जाएगा, गवार सीड गवार गम के अंदर हम कहीं ना कहीं एक बाउंस कंटिन्यू आते हुए देख पाएंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायोग देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडिया एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। कल के यूके यूएस मार्केट में मिला जुला कामकाज हुआ, डाउ जोन्स 48 पॉइंट ऊपर था, नैसडेक 270 पॉइंट नीचे और S&P 32 पॉइंट नीचे बंद हुआ। आज सुबह यूएस
फ्यूचर स्लाइटली इन ग्रीन, 1/4 से आधे परसेंट तीनों बेंचमार्क मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। यूएस में कल सारे सोशल मीडिया शेयर गिरा है, स्नैपचैट 43%, मेटा 7%, ट्विटर 5% गिरा। कल यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया एसएनपी का 43.8 उसकी रीडिंग है, जो पिछले महीने 56 थी। न्यू होम सेल्स के नंबर 17% गिर गया है। ब्रेंट का भाव 114 के पार, तो ग्लोबल क्यू बिल्कुल अच्छे नहीं है। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निक्केई 35 पॉइंट नीचे, कॉस्पी 17 पॉइंट ऊपर, ताइवान इंडेक्स 128 पॉइंट ऊपर, वही संघाई 13 पॉइंट, हंगसेंग 80 पॉइंट और स्टेट टाइम्स फ्लैट 4 पॉइंट ऊपर है। एसजीएक्स निफ्टी आज 50 पॉइंट गैप अप के साथ 16,150 16,160 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रही है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो अपोलो हॉस्पिटल, बीपीसीएल, कोल इंडिया, निफ्टी के तीन कंपनी के रिजल्ट आज है। वही वायदे में बाटा इंडिया, इंटरग्लोब एविएशन, नेल्को, टोरेंट फार्मा और वर्ल्डपूल के नंबर्स आज आने हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मिनट्स आज जारी करेंगे। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड स्टॉक की बात करें तो पहले ही आता है मेट्रोपोलिस हेल्थ। स्टॉक ऑलरेडी 38% गिर चुका है, फिर भी आज इन रेड है क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल अच्छे नहीं है। मुनाफा 35% गिरकर 40 करोड़, मार्जिन 33% से गिरकर 24%, रेवेन्यू 5% गिर गया है, तो दबाव में रहेगी ये स्टॉक। टोरेंट फार्मा नतीजे और बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड की बैठक आज शेड्यूल है, इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक, बट आज की रिजल्ट के ऊपर नजर रखिए। ग्रासिम खराब रिजल्ट के चलते इनरेट रहेगी ये स्टॉक, मार्जिन 18.5% से घटकर 11.8%, आय 6,376 करोड़, मुनाफा 814 करोड़, 900 करोड़ एविटा के सामने 750 करोड़ का एविटा आया। हाई इनपुट कॉस्ट कंपनी को हर्ट हिट कर रहा है, तो इनरेट रहेगी ये स्टॉक ग्रासिम। ग्लोबल स्पिरिट में मुनाफा 8% गिरकर 49 करोड़, आय 656 करोड़, रिजल्ट खराब है, इनरेट ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड Q4 में घाटे से मुनाफे में आया कंपनी, आय में साल दर साल 50% का जंप, तो 9.5 करोड़ का घाटे के सामने 6 करोड़ का मुनाफा इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। अभी कुछ गवर्नमेंट स्टॉक की अगर बात करें तो पहले ही आता है राइट, सरकारी कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। Q4 में मुनाफा बढ़कर 142.36 करोड़, आय बढ़कर 766 करोड़, एबिटा भी 14-15% बढ़ता नजर आया, इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। वही रेलटेल Q4 में आय 8.3% बढ़कर 465.5 करोड़, मुनाफा 99.6% बढ़कर 54.3 करोड़, इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक भी। मेरे तरफ से स्टॉक रिलेटेड इतने ही न्यूज है, और न्यूज के लिए आप हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए, और उसके साथ साथ हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में KD एडवाइजरी के नाम से हमें फॉलो कीजिए। और आप अगर सुबह हमारे पॉडकास्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में हम लिंक शेयर कर देंगे। हर सुबह 8:30 बजे हमारे मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।